था। अभी आपके महाराष्ट्र का नागपुर किया है, कल हम जो है बॉम्बे के टी स्टेशन से कुछ निरीक्षण करना है। आज सर जितेंद्र अच्छा जितेंद्र जी आप टाटा में सर थोड़ा मोबाइल हटाइए ना, आप फोन कर दे रहे थे पूरी टाटा के सभी हमारे कैंसर पेशेंट को सर इंतजार कर रहे हैं। सौरव तुम्हारे सर थोड़ा बुक कर लीजिए ना। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे बीच अमीन पठान साहब जो चेयरमैन हज कमेटी के हैं वो यहाँ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों अरे काका उसकी जी अगर थोड़ा दोस्तों हमारे आगे चले जोसेफ इंडिया सेंटर के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर हरीन कुमार साहब के हाथों अब महाराष्ट्र हज कमेटी अजमेर शरीफ दरगाह के हज कमेटी के चेयरपर्सन अमीन पठान साहब का हम तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों तालियों की गड़गड़ाहट की कमी नहीं करना चाहिए। और अमीन पठान साहब मोहब्बत की कड़ी है दोस्तों, जिसने हर इंसान का सम्मान हर इंसान की खुशी हिंदुस्तान में इस बात का खास ईमानदारी से इस रास्तागारी को अपने सुकून और अमन की तलबदारी से खैर मुकदम करें। जनाब अमीन पठान साहब मेडिकल प्रधान सब स्वस्थ जिंदगी के लिए जो सबसे जो जरूरी चीज है मेडिकल, और उस मेडिकल कैंप को यहाँ पे कई बार ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे डॉक्टर प्रधान साहब नायडू सर वर्मा जी हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब योगी जी और तमाम यहाँ पे जो लोग आए हैं। मैं सबसे पहले तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो अहदेदारान हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, आप सब से रूबरू होने का मौका दिया और मेरा खैर मकदम किया। खल के इंसानियत के लिए काम करना है और इस संस्था के मार्फत से इस ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत से जो ये तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन है जो जिंदगी की बेहतरी के लिए काम कर रही है उसको अपनी ओर से दुआएं दें, उसको नवाजें। मैं डूबता हूं तो समुद्र उछाल देता है, तो दुआओं में बहुत असर होता है। आप लोग दुआएं कीजिए, ये तंजीम जो काम कर रही है ये और बढ़ के आगे बढ़ के काम करे, इंसानियत के लिए काम करे। और जो लोग परेशान हाल है मुसीबत में है पदाधिकारी बड़े बड़े अधिकारी सब इस मंच पर आए हुए हैं। मैं सबको पूरे मंच को आदरणीय पूजनीय जोगी जी को अजमेर शरीफ से आए हुए
पठान साहब को और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के सभी सहयोगी यहाँ सभी पत्रकार बंधु और यहाँ आए हुए इलाज कराने के लिए सभी यहाँ के रहवासी जितने यहाँ डॉक्टर आए हैं सबका मैं हम कोई खाना खा सकते हैं तो ही हम कोई जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं है तो कुछ नहीं पा सकते और उन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बड़े बड़े बीमारियों को फ्री में ऑपरेशन कराने के लिए फ्री में इलाज कराने का काम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी और उनके सभी टीम जो है काम कर रही है, पूरे भारत में काम कर रही है, उनको शुभकामना दे रहा हूँ कि इसी तरह से देश के कोने कोने में आप पूरे जनता को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। आप सबको सुखमय जीवन देते रहिए, देश का उत्थान और विकास इसी से होगा। आप देश प्राउड होल्डर ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स RKHIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर की ओर से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी की ओर से आप सभी का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी हाँ, RKHIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर अब तक फ्री इंश्योरेंस करीब 4,000 करोड़ के करा चुके हैं अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एवरीवन। मैं श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी को मंच पर सम्मान बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने आशीर्वचन हमें दो शब्द कहें। श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी, दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। बैठे हुए सभी आदरणीय और इस प्रांगण में मरीज, उनके रिलेटिव, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर रिस्पॉन्सेस इंडिया में मेडिटेशन किए जाते हैं और जिसमें उन्होंने बहुत ही महती ली है कि उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया जिसमें कि 80 दिन में सबसे ज़्यादा हमारा स्वस्थ हो भारत देश हमारा। इनके साथ साथ वो बहुत ही ऐसे प्रोग्राम करते रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू गिव अवार्ड टू ग्रेट एक्ट्रेस फ्रॉम आवर फिल्म इंडस्ट्री मैडम रश्मि पित्रे जी विद ऑस्पिशियस हैंड्स का सम्मान का अवार्ड दिया है तो मैं वसीम पठान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा। रश्मि पित्रे जी हेलो आई नो द नेम होम वर्क इंसानियत रहमत और रूहानियत, इंसानियत रहमत और रूहानियत का ख्वाब कहा है, पूरी की पूरी कायनात सजदा करती है, यह वो इबादत कहा है। दोस्तों कितने की आमद हो चुकी है, ये अपने आप में इल्म और रूहानियत के खाना खा है क्योंकि इनकी नवाजिश में ही मुंतकबिल है अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज साहब की मोनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब इबादत और रहमतों के नूर के साथ में महफिल फुरोज़ा चिरागे कायनात आज आपकी पुरनूर नवाजिश जिस तरह से इस मजलिस में खैर मकदम हुई है उसके लिए जिस आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब का स्वागत शॉल फूल और खूबसूरत फूलों के तोहफे के साथ में करें। पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब हमारे ग्रो वैल्यू के चेयरमैन डायनामिक श्री विनीत चोपड़ा साहब की दरगाह के साथ स्वागत किया जाए। रहमतों के नूर, खुदा के फैजान करम, महफिल चराग हस्ती, मेराज फलक, जनाब बली, पीर जाहिद हुसैन चिश्ती जाओ अंदर। Now I would like to call upon our main sponsor of our RKHIV Research and Care Center, this wonderful event, India's largest medical camp. A gigantic personality, a handsome, an intellectual,
and a wonderful corporate icon who has been known as the finance king of India. Ladies and gentlemen, give it your hands up, put your hands together. A man who has been known for his intellectuality in the world of finance, a man who has been known in the world of intellectuality, in the world of global finance. Ladies and gentlemen, your values, that's why he is a CEO of Grow Values, Honorable Vineet Chopra Ji. Your words of honor, Mr. Vineet Chopra Ji. एक्टिविटीज है, सब प्रॉपरली चल रही है, प्रॉपरली मैनेज है, पूरी टीम जो है डेडिकेटेड है, हर एक स्टॉल में, हर एक एक्टिविटीज में अपनी इन्वॉल्व है, वीडियो न्यूज के लिए मध्यम वर्गीय परिवार से भी ऊपर फोटो चाहिए आपको करा सकता है, वो इस एक्टिविटी को एंजॉय करेगा। थैंक यू। कलमकार हो या फनकार हो, कोई भी इंसान खुदा के रहमत के सिलसिले और वसीले के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता, और रहमतों के नूर की नवाजिश में अपनी लफ्ज सुखन की फरमा बरदारी से आपकी जिंदगी में इल्म की रास्ता गादी की शिनाख्त करने वाले हमारे बीच पीर जहद हुसैन चिश्ती आफ्ताब और शब महताब की रवायत में इंसानियत और मोहब्बत की मुकम्मल किताब जो है अपने आप में इल्म की महदूद और मुख्तलिफ काना जनाब पीर धर्मेंद्र जी ने जो जिस तरह का एक खिदमत का 6 महीने में जो एक कैंप लगाते हैं, यही कैंप से जो 1900 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कुछ नाइन मैंने ये बोला, ये बोला आपके एच आई वी रिसर्च एंड केयर सेंटर का प्राउड होल्डर ऑफ ग्रेटर वर्ल्ड हेरिटेज एक्सपोजिशन के आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी हाँ गिले जो आए क्या चेक करवा रहे हो बीपी बीपी करवाया क्या चेक करें बीपी बीपी चेक करें कुछ और किसे कराया ये काम दुख चाहिए और ये मेरे लोग की कड़ा है मुझे तो पहला काम था आपकी एच आई वी एड्स रिसर्च केयर फाउंडेशन इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग चैरिटेबल फाउंडेशन वर्किंग एट द मेडिकल एंड हेल्थ सेंटर इन द ईयर 1998 बड़े बड़े पेशेंट आए हैं इनका कवर किया जाए इसी तरह फोटो मारते रहो आप अभी आ रहे हैं वीडियो की मैं कर रहा हूँ सब यही तो कर रहा हूँ कहाँ किया आपने और तुमने कहीं नहीं एक दिन सब पूरे कैम में जाके वीडियो बना नहीं किया है दिखाऊँ अभी तुम हमने सब फोटो मारे बता के नहीं करता हूँ थोड़ा थोड़ा हेलो सर हाँ खतरी थोड़ा इधर भी देखेंगे डॉक्टर साहब चलाइया आराम से आप जी
we have something called as HBOT, cryotherapy, HHO, that is atomic hydrogen healing, and colon cleansing, pura system. Diabetes ke liye kya? Diabetes we do colon and we do this HHO, hydrogen inhalation and acupuncture. Colon complicated? No, it's not complicated. 45 minutes. डॉक्टर साहब आइए भैया, अरे मनोज जी थोड़ा गाइड करते हैं। हाँ मनोज जी, कहाँ भटक रहे हैं? कौन कौन सा रोग से ठीक करते हैं आप लोग? सारी बीमारियाँ। हेलो सर, पीछे हट जाओ यार, क्या दिक्कत है? आगे सेंटर सर, आगे सेंटर पर ये प्रॉब्लम है। अभी मैंने इनको पॉइंट लगाया, थोड़ा नहीं आज पूरा अच्छा होकर निकल गया। इसको काफ़ी अच्छा लगा डॉक्टर साहब सर, इधर सर, इधर कैमरा ऊपर। हॉस्पिटल के अधिष्ठाता डीन हमारे बहुत जाने जिगर और हमारे दिल के रखवाले डॉक्टर गणेश शिंदे साहब को हम मंच पे पाचारण करते हैं, उनसे विनती करते हैं। डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर शिंदे साहब को मंच पे ले आइए, उनका यथोचित सम्मान हम करना चाहते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, आर के एच एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के चेयरमैन, डॉक्टर गणेश शिंदे साहब जो कुपर हॉस्पिटल के डी हैं और हर बार उनका सहयोग हमको रहता है, तो उनका हम यहाँ सम्मान करना चाहते हैं। प्लीज़ पधारिए। इसकी भी नहीं भेज पाए, इसकी भी फोटो भेज दिए तुम्हारे लिए। मैं माननीय गणेश शिंदे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि डैश पे है और नमस्कार सर, फोटो से तो चलते रहेगा सर। उसके अधिष्ठाता के रूप में मैं खुद यहाँ यहाँ का आयोजन देखने और जब भी जरूरत होती है और मुमकिन होता है, जितने लोगों को हेल्प मिलती है और जितना सोशल वर्क होता है, रेयरली ये पॉसिबल होता है कि कोई इतने एफर्ट्स डाल पाए या सोसाइटी के लिए इतना कोई सोच पाए। एंड दिस इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर दर। यही हमारा इंटेंशन है, लाइक द वे द होर्डिंग सेज, स्वस्थ जिंदगी।
So health is wealth. Swasth Bharat, that is what we want to see. A very healthy India, which will eventually lead to be a prosperous and a developed nation. Thank you so much. मैं रश्मित मित्र, ये महान कलाकार हैं, ये काफी सारे बॉलीवुड में हैं। मैं चाहूंगा कि इस ऊंची प्रतिभा के लिए हमारे दूर से आए हुए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से के हाथों से ऑलरेडी सम्मान प्राप्त श्री अरुण कुमार मुर्रा, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े लेखक रह चुके हैं, मैं चाहूंगा कि दो शब्द इस मेडिकल कैंप के बारे में रखें। बॉम्बे हॉस्पिटल आपको बहुत बहुत बधाई। आपके साथ मुझे ही बताया आपसे काम काज जो भेजना चाहता हूँ वो लोगों के लिए एक काम की सेवा की जाती है। घटना की वजह से बहुत सारे कैंप आप ले चुके हैं गांव गांव में। अभी हमारी सूचना ऐसी रहेगी जैसा मुंबई में कैंप ले रहे हैं वही काम छोटे गांव में तालुका पुलिस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस में लिया जाए। आपके लिए हमारी शुभकामनाएं, उसके लिए हम जरूर मदद करेंगे। मुझे दो शब्द कहने के लिए कहा है, आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और सब बताता है मुझे खड़ा कर दिया, मैं बात कर रहा हूँ आपको। बाकी अब ये जो कैंप के बारे में लिखना है वो हम जरूर लिखेंगे और इंशाल्लाह इनके लिए भगवान के पास अल्लाह के पास दुआ करेंगे। धन्यवाद। तुम्हारा हो गया। इसी सिलसिले में हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने में साथ रहने वाले डॉक्टर संदीप सिंह, जो कि अनाउंस कर चुके हैं कि हम भारत को हिंदुस्तान को डायबिटीज मुक्त करके छोड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि ये मुक्त कैसे करेंगे इसका विस्तार रूप से हमारे मंच पे बोल करके बता करके थोड़ा समझाने की कोशिश करें। संदीप जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डायबिटीज़, आज मैंने 4 सालों से डायबिटीज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। मेरा उद्देश्य है कि इस देश को डायबिटीज से मुक्त करना है। डायबिटीज जो बीमारी है ये बीमारी नहीं है, इसे हम कहते हैं लाइफ स्टाइल कर सकते हैं। आप देखेंगे तो डायबिटीज या जो भी जीवन शैली की बीमारियाँ होती हैं, आपकी जीवन शैली प्रॉपर है और आपका विचार प्रॉपर है तो आपकी सारी बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है। तो मैं डायबिटिक मुक्त भारत अभियान की तरफ से आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। आपको डायबिटीज से नेचुरल थेरेपीज जो भी लाइफ स्टाइल डिसीजन होती हैं उनमें बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है, तो आप इस थेरेपीज को इसमें अपनाइए
अपनी दवाई के साथ साथ में अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो आप डायबिटीज को उभरी कीजिए, अपने आप को उभरी कीजिए। और डायबिटिक आपको डायबिटीज से किस तरह से ठीक करना है, बहुत सारी उसमें आपको गाइडलाइन दी गई है, आप उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए और अपने आप को डायबिटीज से मुक्त कीजिए। तो धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इतने बड़े पैमाने पे। पर मेरा स्लोगन है सुख से समाधान श्रेष्ठ, कंटेंटमेंट इज मोर ब्लिसफुल देन हैप्पीनेस। आप सुख के लिए जियोगे तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी और कोई मेंटल डिसीज और कोई सभी बीमारियां, दिल की बीमारियां, सब बीमारियां आपको जड़ जाए। ये जो लोग पाश्चिमात्य संस्कृति को पालन करके अपनी रोजी रोटी और अपना व्यवहार छोड़ के गैर मार्ग पे जाके अपनी पैर टूटने का जो प्रयास कर लेते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बीमारी जुड़ जाती है। घर में बैठे बैठे ये लोग बीमारी को आमंत्रित करते हैं, खुद लगा लेते हैं। तो ऐसे बीमारी से आपको हटना है तो आपको जीवन शैली से लाइफ स्टाइल जीवन शैली बदलो। Get adopted, acquainted, used to, acclimatized to, adjusted to the newer lifestyle. जिसको एसी से तकलीफ होती है तो एसी मत चलाओ, पंखा लगाओ। जिसको चाय ज्यादा पीने से एसिडिटी होती है, डॉक्टर के पास जाके दवा लेते हो। जिसको दारू से लीवर पे सूजन आ गई और कुछ करो, कॉपी करो। ये जो झाड़ झाड़ करने की जो बात होती है इसको हम बोलते हैं इन्वेजन प्रोसेस। ये नहीं करना है आपको, ये बातें नहीं करना है। जैसे हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, हमारे धर्म के गुरु जो भी है, क्या वो डॉक्टर के पास जाते हैं? सर दर्द हो गया, प्राणायाम कर लीजिए, मेडिटेशन। समय है जिस समय में आप सब खुद के लिए जीना चाहते हो तो आप स्वयं के लिए जियोगे तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए जियोगे। खुद को आनंद निर्माण करोगे तो दूसरों के आनंद में आप आनंद बांटने का प्रयास करोगे। तो आपको सही जिंदगी, इंसानियत की जिंदगी जीनी है तो आपकी ह्यूमैनिटी का परसेंटेज थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। लोगों के दुख दर्द में काम आओ, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, उसको सही इस्तेमाल से आप जियोगे तो आपको सही में इंसान होने का एक अभिमान मिलेगा। एक के लिए ये बड़े बड़े एम्पैनल सुपर स्पेशलिटी 5-स्टार हॉस्पिटल में इनकी फ्री व्यवस्था है और ऑपरेशन होने के बाद फॉलोअप की भी व्यवस्था है। और ऑपरेशन के बाद जब छुट्टी होती है, डिस्चार्ज होता है, उसको जाने के लिए, घर पे जाने के लिए गाड़ी मोटर सरकार। We all have united together and formed a social service trust for spreading awareness, providing treatment, care and control in medical and surgical treatments. Their aim is to benefit underprivileged section of the society against lethal diseases such as HIV/AIDS, cancer and a lot of diseases. Also, they also organize medical camps in slums and rural areas where health services are not available to destitute people. Ek bar zordar taaliyan. RK HIV AIDS Research and Care Center aur ek bar zordar